ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात के भुज में लड़कियों के कपड़ों को जबरदस्ती उतराने की घटना को लेकर एसएफआई कार्यकर्ता बेहद नाराज दिखे, जिसको लेकर पीजी कॉलेज सोलन में एसएफआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से लगातार अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं, जहां एक और उन पर लाठियाबाजी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर युवतियों के कपड़े उतरवाकर उन्हें शर्मसार किया जा रहा है। गुजरात के भुज में लड़कियों के कपड़ों को जबरदस्ती उतारने की घटना को लेकर एसएफआई कार्यकर्ता बेहद नाराज दिखे, जिसको लेकर पीजी कॉलेज सोलन में एसएफआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से लगातार अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं, जहाँ पर एक और उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर युवतियों के कपड़े उतरवाकर उन्हें शर्मसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इस मौके पर एसएफआई सदस्य अरुण कश्यप और आशा झिंटा ने कहा कि 2019 में पुलिस ने जामिया में विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई विद्यार्थी घायल हुए, एक को अपनी आंख से हाथ धोना पड़ा। अब भुज में युवतियों के साथ शर्मसार घटना सामने आई है, जो कि बेहद गलत है, उसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए वे जांच की मांग करते हैं और बाइडेन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमर में लाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि प्रत्येक कॉलेज में यौन उत्पीड़न कमेटी का गठन हो। जो पिछले 15 फरवरी 2019 को जामिया के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, जामिया के अंदर पुलिस घुसती है और लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। उनमें जो छात्र ये दिखाते हैं कि हम लोग बुक्स लेकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है पुलिस उस पर लाठियाँ भाजती रहती है और सिर के ऊपर डंडे मारे जाते हैं और एक वहाँ छात्र है उसकी जो आँख फूट जाती है, आँख की रोशनी चली जाती है। इसके लिए एसएफआई मांग करती है कि जो है छात्रों के साथ जो ये लाठीचार्ज हुआ है, इसकी न्यायिक, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच की जाए। इसके साथ साथ जो एक मामला सामने आया है कि गुजरात के अंदर भुज जिला है, भुज जिला में एक हॉस्टल के अंदर 68 लड़कियां जो है उस हॉस्टल के अंदर रहती थी और वहां की एक कॉलेज की प्रिंसिपल और वार्डन ने जो उन लड़कियों को ये कपड़े वहां पे उतारे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। और एसएफआई मांग करती है कि जो इसकी जाँच की जाए और जो है वहाँ पे प्रिंसिपल का इस्तीफा हो। आशा, आज एसएफआई ने इस महाविद्यालय सोलन के अंदर एसएफआई इकाई ने एक धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई इकाई ने आज धरना प्रदर्शन इस करके किया क्योंकि आप देख सकते हैं जो गुजरात में भुज कॉलेज के अंदर जो है एक हॉस्टल के अंदर एक स्टूडेंट के साथ जो है किस तरह की घटना हुई। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।